हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एक्सीलेंट एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई सब चल रही है। तो आइए हम आज आपके सामने कुछ भारतीय राज व्यवस्था अर्थात संविधान से कुछ बड़े विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपना पढ़ाई के लेवल को आंकने का प्रयास करिए कि क्या कैसे पढ़ाई चल रही है। क्वेश्चंस का पहले आप आंसर करिएगा, बाद में मैं आंसर्स आपको बताता हूँ, चेक कर लेना। चलिए तो ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चंस की इस सीरीज में पहला क्वेश्चंस है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अर्थात संविधान को बनाने वाली जो सभा थी उसकी प्रथम बैठक, पहली बैठक कब हुई थी? हमारे ऑप्शन से इस प्रकार हैं, ऑप्शन को बड़ा ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, चौथा ऑप्शन लास्ट ऑप्शन 21 दिसंबर 1946। चलिए ऑप्शन चेक करिए कौन सा आंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए अर्थात 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो 11 दिसंबर 1946 का डेट है, क्योंकि बड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक, 21 दिसंबर 1946 को चौथी बैठक के रूप में हुआ था। तो प्रथम बैठक सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इसलिए 9 दिसंबर 1946 का आंसर ये सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो आपको बताना है हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त कुल कितने मूल अधिकार हैं। तो मैं आपको बता देना ऑप्शन के माध्यम से। ऑप्शन हमारा ए, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, और चौथा ऑप्शन आपका 8 होगा। तो आपका आंसर देना है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में, भाग 3 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। तो आपको बताना है जो मूल अधिकार हैं वो कुल कितने हैं। तो वो वर्तमान में 7 हो सकते हैं, 6, ऑप्शन 6 वाला जो हमारा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है वो 6 है। लेकिन 7 के लिए थोड़ा सा हम लोग स्पष्ट कर दें, 7 ऑप्शन तब सही होगा हमारा जब हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा हो हमारे मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तब ऑप्शन आपका 7 सही होगा। और जब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा हो कि भारतीय नागरिकों को वर्तमान संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तब ऑप्शन आपका 6 सही होगा। क्योंकि जो 31 अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रख दिया गया है, तो वो मूल अधिकार जो था वो हमारा मूल अधिकार इस श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार में कर लिया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है या समाहित होती है, क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं, सांसद, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, हालांकि यह ऑप्शन आपका पहला वाला जो है वो गलत लिखा है, उसको तो आप लोग सही कर लीजिएगा, संसद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री में, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति में, और चौथा ऑप्शन है मंत्रिमंडल में। तो आपको बताना है कि भारतीय संघ अर्थात भारतीय केंद्र की जो शक्ति होती है वो किस में समाहित होती है। तो हमें इसमें आंसर देना है, ऑप्शन नंबर इसमें ए बी सी डी करके बताए गए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा वो राष्ट्रपति ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे भारतीय संघ का प्रमुख होता है, अर्थात समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में समाहित अथवा अर्थात निहित होती हैं।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार ये है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। सबसे पहले हम आप हमें बताएंगे अवधि का मतलब टाइम पीरियड। सबसे पहले हम हमें आप ये बताएंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 55 में, आर्टिकल 55 में ये बात बताई गई राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि। तो हमारे ऑप्शंस इस प्रकार से होंगे, ऑप्शन नंबर एक 3, ऑप्शन नंबर बी 5 और ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी कोई सीमा नहीं है, मीन्स हमेशा के लिए बन सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएंगे, आंसर अपना देंगे। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है, पांच बी है, वो 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, जो कि 5 वर्ष अनुच्छेद 55 में बताया गया। कोई राष्ट्रपति का चुनाव, किसी भी राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ 5 वर्ष के लिए किया जाता है। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इससे कोई डाउट नहीं है ना, आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि का उल्लेख आर्टिकल 55 में है और 55 में 55। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बातें बताई जा रही हैं? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है? चलिए तो इसमें हम ऑप्शंस देखेंगे। सुपीरियर, जैसे सुप्रीम कहते हैं ना, तो सुपीरियर कौन होता है? तो हमारे ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है थल सेना अध्यक्ष, इसमें चौथा ऑप्शन भी हम एक और ऑप्शन नोट कर लेंगे, रक्षा मंत्री। तो हमें इसमें से आपको बताना है, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो एक ऑप्शन रक्षा मंत्री आप ले लीजिए। और रक्षा मंत्री आपको ये बताना है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो इसको हमें बताना है। अनुच्छेद 53 में इस बात का उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 53 में इस बात का उल्लेख है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति हमारा राष्ट्रपति होता है, अर्थात इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, और थल सेना अध्यक्ष तो वो तो भाई होता है रक्षा मंत्री, सिर्फ रक्षा मतलब कि सेनापति वो नहीं होता है, वो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति वाला ऑप्शन ए सही हो जाए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप, महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है या लगाया जा सकता है? तो इसमें हम ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राज्यसभा, और ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा किसी के द्वारा नहीं। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि अब थोड़ा सा महाभियोग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो महाभियोग हमारे सिर्फ राष्ट्रपति को उसके पद से, कार्यकाल के अंतर्गत उसको उसके पद से हटाने के लिए, अर्थात संवैधानिक संविधान का उल्लंघन के आरोप में पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। इसकी प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख बताया गया है। तो अनुच्छेद 61 में यह बात भी बताई गई है कि प्रस्ताव, जो महाभियोग का प्रस्ताव होगा, अर्थात महाभियोग के प्रस्ताव के माध्यम से वो प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में या फिर संसद के किसी सदन द्वारा। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो सी वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन के द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, उपराष्ट्रपति के लिए अगर उसको पद से हटाना होता है, हालांकि वहां पर महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वहां पर सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, वो राष्ट्रपति के लिए हो सकता है। लेकिन अगर बात यहां राष्ट्रपति की बात आती है, तो यहां पर संसद के किसी भी सदन में उसको हटाने का प्रस्ताव अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लाया जा सकता है। चलिए
हम चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। इस बात इस क्वेश्चन को समझ पा रहे नहीं, पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़िएगा। जो संविधान में हमारे मूल कर्तव्य हैं किस भाग में हैं? भाग चार ए में जो हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं उसको हमने शामिल करने की प्रेरणा हमने किस देश को हमने कॉपी किया है। होता नहीं है कि अवधारणा हम लोग लेते हैं किसी दूसरे देश के चीजों को देखते हैं, फिर वहां से अपने देश में उसको अपने संविधान में शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो जो मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा है, हमें प्रेरणा किस देश से मिलती है? हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जर्मनी, एंड ऑप्शन सी है फ्रांस, एंड ऑप्शन डी है चीन। तो मैं सभी ऑप्शन को क्लियर करूंगा। तो जो हमारा इसका सबसे पहले आंसर रूस होगा, रूस वाला ऑप्शन सही होगा। और जर्मनी वाले ऑप्शंस के लिए हम देखेंगे, जर्मनी वाले ऑप्शन के लिए हमारे लिए क्या लिया गया था, जर्मनी में जो राष्ट्रपति होता है उसको आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों पर लगाए जाने वाली शक्तियां होती हैं उसके लिए जर्मनी से हमने अवधारणा ली थी, प्रेरणा लेकर वहां की चीजों को शामिल किया। और रूस से हमने संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, मूल कर्तव्य हमारे अनुच्छेद 51 ए में बताया गया है, भाग 4 ए, और 51 ए में हमारा मूल कर्तव्य कुछ भी कहिए, मौलिक कर्तव्य कहिए या फिर मूल कर्तव्य कहिए, जो कि रूस से हमारा लिया गया है। चलिए हम अब फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ ये हमारा है, संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट पूछ रहा है कि हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया, रूस से। तो ये रूस का जो प्रावधान लिया गया तो कितने मौलिक कर्तव्य हमारे शामिल किए गए हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है, क्वेश्चन दो प्रकार से इस प्रकार बन सकता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे कि नहीं, तो वहां पर होगा नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की वो नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। तो हमने रूस से इसको अपने मूल कर्तव्य के रूप में सबसे पहले 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया। हालांकि ऑप्शन इसका अलग होगा क्योंकि क्वेश्चन ये अलग है, इसमें संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है मैं ये पूछ रहा हूं। तो भाई हमें देना होगा वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सर्वप्रथम 10 था लेकिन वर्तमान में, क्वेश्चन बड़े ट्विस्ट तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए। वर्तमान में 11 तथा मूल संविधान में तो इसकी व्यवस्था थी नहीं, जब हमने शामिल किया था तो उस समय सिर्फ 10 था, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा सही होगा। लेकिन क्वेश्चन ए वाला भी सही हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेगा तब सही होगा उस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में माना जाता है। चलिए हमें आप बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाता है। ऑप्शन हमारा इस प्रकार है, अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी हमारा है अनुच्छेद 21, और ऑप्शन सी हमारा है 21A, और ऑप्शन डी हमारा है अनुच्छेद 22। अब हमें यहाँ पर उत्तर देना है कि हमारा कौन सा अनुच्छेद सही होगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में कौन सा अनुच्छेद माना जाता है। तो इस प्रकार जैसे मैं अनुच्छेद 20 की बात करूँ तो अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया, अपराधों से संबंधित दोष सिद्धि में संरक्षण अनुच्छेद 20 में हमें प्राप्त है।
अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 की अगर हम चर्चा करते हैं तो जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी हमें अनुच्छेद 21 में मिलता है। और हम अगर ऑप्शन सी का बात करते हैं, ऑप्शन सी की बात करते हैं अनुच्छेद 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सभी के लिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में बताया गया है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन 21A वाला सही होगा, 21A हमारा ऑप्शन सी है। ये इस प्रकार ये क्वेश्चन 21A के माध्यम से सही होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन एक बार हम ध्यान से पढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को एक बार और। संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है उसको सही करिएगा। ठीक है चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए अनुच्छेद संविधान संशोधन 42, ऑप्शन बी संविधान संशोधन 44, ऑप्शन सी 46वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो हमारा 42वां संविधान संशोधन वो किस रूप में किया गया। 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन बताइएगा आप लोग इसका क्या होगा। मिनी संविधान संशोधन के संविधान संशोधन के रूप में भी यह जाना जाता है क्योंकि जो 1976 में हुआ 76 में वो संविधान मिनी संविधान संशोधन के रूप में इस प्रकार से जाना जाता है क्योंकि इसमें लगभग 50 संवैधानिक संशोधन किए गए। कुछ शब्द जोड़े गए, कुछ हटाए गए, कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन इस प्रकार से हुआ, हटाए गए जोड़े गए। तो लेकिन जो संपत्ति के अधिकार का संविधान संशोधन था वो किसके अंतर्गत हुआ, वह हमारा ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 52। तो हमारा जो ऑप्शन सही वो होगा क्योंकि कंफ्यूजन इसमें दो ऑप्शन में हो सकता है आपको 42 और 44। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही उत्तर होगा, सही उत्तर 44 जो कि 1978 में हुआ। 1978 में अनुच्छेद 31 को 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और एक जो हमारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था उसको हटाकर हमने विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा। ये बात अच्छा ये क्लियर करिएगा कि संविधान जो संपत्ति के अधिकार है उसको समाप्त नहीं किया गया है, उसके रूप को परिवर्तित कर दिया गया है। पहले वो क्या था, किसमें था, अनुच्छेद 331 में दिया गया था लेकिन हमने उसको तब वो मौलिक अधिकार था, संपत्ति के रूप में मौलिक अधिकार था, परंतु उसके स्वरूप को हमने 44वां संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित किया जो कि 1978 में हुआ। अब वह विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी अर्थात 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो बीएन राव क्वेश्चन ए वाला वहां पर बीएन राव आपका मान लिया जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि तीसरा ऑप्शन भी भीमराव अम्बेडकर है तो वहां पर जो ऑप्शन ए है वो बीएन राव है, डॉक्टर बीएन राव। तो आप हमें बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही। संविधान सभा मतलब जो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था 389 सदस्यों का, उसकी अध्यक्षता किसने किया, अध्यक्षता वो भी अस्थाई रूप से,
अस्थायी रूप से अध्यक्षता, अस्थायी और अस्थायी का मतलब आप क्लियर करिए, क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं उस प्रकार से होगा। अस्थायी अध्यक्ष मतलब टेम्पररी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हमने किसका चुनाव किया, तो ऑप्शन को देखिएगा और बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन ए बी एन राव गलत, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको हम ऑप्शन सही सी बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का गठन किया था, बनाया था, क्योंकि जो पहली बैठक कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस दिन हमारे पास हमारी सभा की अध्यक्षता करने के लिए किसी का चुनाव नहीं हुआ था, कोई व्यक्ति सभा का अध्यक्ष बनने के लिए नहीं था, उसमें किसी को नियुक्त नहीं किया गया था। लेकिन तो इस प्रकार से सच्चिदानंद सिन्हा हमारे संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य संविधान सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए हमने उनका सम्मान करते हुए सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर की कार्यवाही को संचालन करने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष अस्थायी रूप से बनाया गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी वही आ गया। चलिए अब आपको क्वेश्चन दोनों वहां पर मिल गए, क्वेश्चन नंबर 11 में था अस्थायी अध्यक्ष और क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा है स्थायी अध्यक्ष, और क्वेश्चन नंबर 11 में अस्थायी, टेम्पररी और परमानेंट, इंग्लिश में अस्थायी को टेम्पररी और अस्थायी अध्यक्ष को अगर हम कहेंगे तो वो हो जाएगा परमानेंट अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए ऑप्शन ए पढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर फिर उसके बाद ऑप्शन बी है के एम मुंशी, फिर ऑप्शन सी हमारा होगा सच्चिदानंद सिन्हा, फिर उसके बाद ऑप्शन डी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तब हमें आपको इसमें बताना है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन को हम जल्दबाजी में रहते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम इसको नहीं ध्यान दे पाते, बस हमें याद रहता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो हम तुरंत करके चले आते हैं, तो हमें ये नहीं करना है, हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही सेट हो रहा है, तो हमें वहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी जो हमारा के एम मुंशी है वो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ये भी नहीं सही होंगे। ऑप्शन सी जो हमारा होगा वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सही होगा, लेकिन जो ऑप्शन डी हमारे पास बच रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। आंसर डी जो हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के चुने गए। चलिए चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के की अंतिम रूप में संविधान को कब पारित किया गया, मतलब कि संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुई, अंतिम रूप से हमने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो अपना संविधान बना लिया तो किस डेट को बनाया, ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि संविधान सभा की के द्वारा अंतिम रूप से हमने संविधान कब बना लिया, कब पारित कर लिया, मतलब पूर्ण रूप से कब बनाया, तो हमारा आंसर पढ़िएगा ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। चलिए ऑप्शन ए की बात अगर हम करते हैं तो ऑप्शन ए में क्या हो सकता है, 26 जनवरी सन 1950 इस दिन हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था, और ये देखिए क्वेश्चन और भी होता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है पूर्ण रूप से लागू और आंशिक रूप से लागू, तो हमारा संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी सन 1950 को हुआ, लागू हुआ था, पारित नहीं, बनकर तैयार नहीं, उसको मैं बता रहा हूं, ऑप्शन दूसरा होगा। चलिए दूसरा अगर हम देखते हैं ऑप्शन बी हम देखें तो 15 अगस्त 1947 इस दिन तो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, और ऑप्शन सी 2 अक्टूबर ये तो गांधी जयंती के रूप में, हाँ ये भी ऑप्शन गलत कट जाएगा, 26 नवंबर सन 1949 वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर सही होगा कि 9 दिसंबर 1946 से हम लोगों ने अपना संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाना प्रारंभ किया और 26 नवंबर सन 1949 को हमने अपना संविधान पूर्ण रूप से बनाकर संविधान सभा से पारित करा दिया गया, तो 26 नवंबर सन 1949 ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 14 पर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा किस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान, ये हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ये है, सभा जो लिखा है, भारतीय संविधान सभा नहीं होना चाहिए, यह यहां पर सिर्फ संविधान होना चाहिए। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्ण रूप से लागू हुआ, मतलब कब से पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो मतलब इसमें दो ऑप्शन बन सकते हैं ना, कभी पूर्ण रूप से, कभी आंशिक रूप से। तो ऑप्शन हमारा पहले आप पढ़िए, फिर उसके बाद देखिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। 26 नवंबर सन 1949, दूसरा ऑप्शन हमारा 26 नवंबर 1950, तीसरा ऑप्शन 26 अगस्त 1950, और चौथा ऑप्शन 26 जनवरी 1950। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 14 में जो ऑप्शन ए है, संविधान सभा किस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ, 26 नवंबर 1949, यह वाला, इस दिन तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, पारित हुआ था, और इस दिन आंशिक रूप से संविधान लागू भी हुआ था, मतलब कि 16 अनुच्छेद सिर्फ इस दिन लागू हुए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता पूर्ण रूप की जगह आंशिक रूप से पूछता, तब ये वी वाला ऑप्शन हमारा, ए वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन वो पूर्ण रूप से पूछ रहा है तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा, आंशिक रूप के लिए सही हो सकता है। चलिए अगला ऑप्शन है बी, 26 नवंबर 1950, नहीं ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन सी 26 अगस्त 1950, ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950, ये ऑप्शन सही माना जाएगा कि इस दिन 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के रूप में हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस इसीलिए हम मनाते हैं कि हमारा संविधान दिवस इस दिन लागू हुआ था पूर्ण रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिएगा, सबसे आसान क्वेश्चन हमारे सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 15, भारत गणतंत्र कब हुआ, या भारत कब गणतंत्र बना, तो इसके लिए ऑप्शन सुनिएगा, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, और नेक्स्ट जो होगा 26 जनवरी सन 1850। चलिए ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग हैं, तो बड़ा ध्यान से हमें देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो वो हमारा गणतंत्र के रूप में नहीं माना जाता, वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में, मतलब कि इस दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे ना, 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 नवंबर सन 1949 को हम देखेंगे तो इस दिन हमारा संविधान बना था, बनकर पारित हुआ था, लागू नहीं हुआ, 26 नवंबर सन 1949 को पारित हुआ था, और जो तीसरा ऑप्शन है वो 26 जनवरी सन 1950, अर्थात यह ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा, और भारत गणतंत्र हुआ अर्थात संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही मानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़िएगा, भारतीय संविधान सभा के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है। चलिए यह क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है, तो क्वेश्चन को बहुत ही, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हमें आंसर डिसाइड करना है, ये नहीं कि थोड़ा सा हम क्वेश्चन पढ़े कि आंसर तुरंत टिक कर लिए, ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो हमारा आंसर होगा आते हुए क्वेश्चन भी हम गलत कर लेंगे, इसलिए बड़ी ध्यान से देखना है, भारतीय संविधान सभा के किस भाग को, अरे भाग की बात मैं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन भाग की बात कर रहा है, तो बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब भाग की बात अनुच्छेद करता तो वो आंसर बदल जाता, लेकिन यहां भाग की बात किया गया है तो हम उसकी बात करते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या है, मूल अधिकार, जो कि भाग 3 में है। चलिए दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में, संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन संविधान संशोधन, ये तो किसी प्रकार से कोई नहीं है, ये ऑप्शन गलत मान लो। चलिए चौथा ऑप्शन जो हमारा है डी, प्रस्तावना, प्रियम्बल, जिसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना, हमें ये इसमें से चार ऑप्शनों में से ये सेलेक्ट करना है कि हम किस भाग को
संविधान का आत्मा कहते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा मूल अधिकार में इसको भारत की संविधान की आत्मा नहीं कहा जाता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात होगी ऑप्शन बी के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर पूछता है बदलकर उसमें, जैसे पूछ ले भारतीय संविधान के किस भाग की जगह वहां अनुच्छेद दे दे, किस अनुच्छेद को आत्मा कहा गया, क्योंकि मैंने बताया है कि संविधान संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 है उसको आत्मा लागू माना, अनुच्छेद आत्मा के रूप में माना जाता है, लेकिन भाग के रूप में अगर हम देखेंगे तो वो प्रस्तावना। तो हमारा डी ऑप्शन इस प्रकार से सही होगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है, भाग पूछ रहा है तो हमारा प्रस्तावना आत्मा माना जाएगा और अनुच्छेद पूछ रहा है तो फिर वो हमारा अनुच्छेद 32 माना जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा जो हमारी थी, संविधान को बनाने वाली जो कमेटी थी, बैठक थी, लोगों की समूह था, वो राष्ट्रगान को कब स्वीकार करती है, ये क्वेश्चन। ऑप्शन पहला है 17 जनवरी 1950, ऑप्शन दूसरा है 26 जनवरी सन 1950, ऑप्शन तीसरा है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन चौथा है 22 जुलाई 1950। चलिए इसमें मैं थोड़ा सा आपको करेक्शन करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जो आंसर है वो कोई भी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो वो आपका पहले तो उसमें नोट करिए कि जो ए वाला है वो होगा 24 जनवरी सन 1950, 24 जनवरी सन 1950, ये हमारा आंसर सही होगा। 17 जनवरी की जगह आप 24 जनवरी 1950 कर सकते हैं। तो संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रगान को 24 जनवरी सन 1950 को स्वीकार किया। राष्ट्रगान तो पहले ही बनाया जा चुका था, लेकिन उसको हमने स्वीकार कब किया, मतलब कि हमारे संविधान कोई भी प्रक्रिया थी तो उसको हम एडॉप्ट कब करते हैं, एडॉप्ट हमने 24 जनवरी सन 1950 को सही किया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, अवधारणा का मतलब आप लोग समझते हैं ना, अवधारणा का मतलब डिफिनेशन, परिभाषा, कॉन्सेप्ट, अवधारणा किसमें निहित है, लोक कल्याणकारी राज्य बने इस बात की अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट कहां हमारा सम्मिलित किया गया, संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन है पहला मूल अधिकार में, ऑप्शन दूसरा है राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी में, तीसरा ऑप्शन है मूल कर्तव्य, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर बताइएगा, उत्तर बताइए, गेस करिए कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, गेस करना है। चलिए तो हम इसका सही आंसर जो होगा वो राज्य के नीति निदेशक तत्व, हालांकि डीपीएसपी जिसको राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है, डायरेक्टिव पॉलिसी स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व माना जाता है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान से पढ़िए, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, अर्थात हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है, मूल अधिकार हमारे कितने हैं, ये बात हमने पिछले के क्वेश्चनों में आपसे बता दिया है, भाग 3 में हमारे मूल अधिकारों की बात की गई है, मूल अधिकार हमारे कुल 6 हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछे मूल संविधान में कितने थे तो 7 थे, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकार 7 थे, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो इन मूल अधिकारों की रक्षा, हालांकि ये रक्षा कौन करता है, अगर हमारे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम किस प्रकार से हमारी हमको इस पर संरक्षण मिलता है, वो किसके द्वारा मिलता है, तो पहला ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन ए बी दोनों, मतलब कि दोनों सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय, या फिर चौथा ऑप्शन हमारा है संसद। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा तो करता ही करता है, उसके साथ ही साथ
जो ऑप्शन बी वाला सी वाला है ये एडिट कर लीजिएगा, वो सी दो बार हमारा छप गया है तो उसको थोड़ा सा बना लीजिएगा। उच्च न्यायालय ये भी हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो दोनों सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध का मतलब समझते हैं आप लोग ना, निर्विरोध का मतलब कि उनके सामने कोई नहीं था, मतलब कि वो अकेले उनके विरोध में बिना किसी विरोध के। निर्विरोध का मतलब बिना किसी विरोध के। हालांकि मैं इसमें पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देना चाहूंगा निर्विरोध क्यों हुए। ऑप्शन ए है बीबी गिरी, ऑप्शन बी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सही ऑप्शन बताइएगा, गेस करिए कौन सा आंसर हो सकता है, गेस करिए। तो हमें लगता है ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। इसके विषय में आपसे थोड़ा सा थोड़ी सी बात आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा कि जो हमारे नीलम संजीव रेड्डी थे वो निर्विरोध इसलिए चुने गए थे हालांकि इनके विरोध में 36 उम्मीदवार खड़े थे, 36 उम्मीदवारों में 37 उम्मीदवार थे, लेकिन 37 उम्मीदवार चुनाव लड़े। तब आप कहेंगे सर कैसे ये तब निर्विरोध कैसे हो गए? हालांकि वो 37 लोग चुनाव जरूर लड़े थे लेकिन 36 लोगों का जो नामांकन था वो रद्द हो गया था। नामांकन जो था मतलब पर्चा था वो रद्द हो गया था। 36 लोग रद्द हो गए मतलब 36 लोग अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बचे एक लोग कौन? नीलम संजीव रेड्डी। इस प्रकार से वो राष्ट्रपति के लिए निर्विरोध चुन लिए गए नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, धन्यवाद। तो इस प्रकार